मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज का हम टॉपिक क्लियर करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन पे। बहुत से हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं, सर सीआरपीएफ ट्रेडमैन की कटअप कब जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी रिजल्ट कब आएगी। हालांकि अभी रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं। क्यों देरी हुआ, कब आएगी, इसकी कटअप क्या होने वाली है, ट्रेड टेस्ट कैसे होने वाला है, ट्रेड टेस्ट कब होगा, इसकी आगे की वैकेंसी कैसे क्लियर कराई जाएगी और कब तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। बात करते थे कि सीआरपीएफ ट्रेड में रिजल्ट अभी आपका आने वाला है। अभी बात कर लेते इसका संभवतः कटअप का, कटअप इसका बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ये सीआरपीएफ जो ट्रेडमैन है, आपने देखा पिछले बार जो एसएससी जीडी ने जो वैकेंसी कराया था वो ऑल इंडिया बेस पे तो था, लेकिन हर स्टेट वाइज था। लेकिन आप देखिएगा ये सीआरपीएफ जो ट्रेडमैन का है ये ऑल इंडिया बेस पे है, लेकिन इसमें कोई स्टेट वाइज कटअप नहीं बनने वाला है। इसमें कटअप कैटेगरीज वाइज बनेगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी आपका यही कटअप बनने वाला है। इसमें आपका कोई स्टेट का कटअप शामिल नहीं होने वाला है कि अरुणाचल प्रदेश का है तो कितना कटअप जाएगा, यूपी के है तो कितना कटअप जाएगा, बिहार के है तो कितना यूपी कटअप जाएगा, राजस्थान के है तो कितना कटअप जाएगा, इक्वल जाएगा इसका जो भी रिजल्ट होगा। और आपने देखा इसका 100 नंबर का पेपर हुआ था और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1.4 का नेगेटिव मार्किंग था, आपको ये भी पता होगा। आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको बता देते जो ट्रेड टेस्ट का था, जो तो आपका जो ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होने वाला है बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कटअप, संभावित कटअप क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए एसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल, यही आपके कैटेगरी वाइज निकलेंगे। देखिए कटअप ज्यादा होने वाला नहीं है, एसी का बता रहे हैं कटअप आपका 42 से 45, एसटी का बात करते हैं तो 45 से 50 के बीच में आपका रहने वाला है कटअप। ओबीसी की बात करते हैं तो 50 से 54 या 55 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का यही हो सकता है 52 से 56 57, एक दो नंबर का अंतराल में रहता है। और जनरल का बात कर लेते हैं तो आपका यही आपका 58 हो सकता है, इसका एक दो पॉइंट बढ़ सकता है 58 से 62 तक। आपका कटअप सेम यही होने वाला होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, तो इसी पे आपका रिजल्ट होगा। अगर इतना क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई स्टेट वाइज कटअप नहीं है, पूरा ऑल इंडिया का कटअप होने वाला है। इसे जनरली आपको मेरा एक्सपीरियंस जो कटअप था इसको हमने बताया है संभावित, थोड़ा एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपका एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आपके जितने भी ट्रेड के लिए आपने भरा है फॉर्म, अभी नोटिफिकेशन है नहीं क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहा हूं, ठीक है, आपने जो भी फॉर्म भरा होगा आपने देखा होगा एक दो ट्रेड छोड़ के, जिसे आपका कुक सफाई कर्मचारी और वाशरमैन ये सबको छोड़ के बाकी सबका आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, और बाकी का 1.6 किलोमीटर का रनिंग तो है बट आपको टाइमिंग 10 मिनट का दिया गया है, यानी फिजिकल आपका थोड़ा सा आसान होने वाला है। इसमें आपने जो भी फॉर्म भरा इसमें मेरिट लिस्ट कुछ ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इसलिए कटअप भी आपका कम जाएगा। उसके बाद से आपके फिजिकल में बच्चे छटेंगे, फिजिकल के बाद से आपके ट्रेड टेस्ट होंगे उसमें बच्चे छटेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
उसमें बच्चे छटेंगे, मेडिकल होगा, फाइनल ज्वाइनिंग आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपका कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगा, जो भी डायरेक्ट मेडिकल फिट होंगे वो बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, कितने नंबर का होगा। तो देखिए आपका ट्रेड टेस्ट 20 अंक का होता है, जिसमें से आपको 10 नंबर आपको ट्रेड के हर औजार के बारे में यानी हर सामान के बारे में जानकारी होता है, उसका टेस्ट होता है, और 5 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। उसके बाद से बच जाते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में, सॉरी दोस्तों, इसमें आपका हाँ बच जाते हैं 5 नंबर, तो आपको उसमें एक्सपीरियंस देखा जाता है, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो उसके 1-2 नंबर जो भी मिलने वाले हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर निर्भर करता है। हालांकि इस भर्ती में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का या टेस्ट का मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके पास अगर है तो बैलेंस गुड है, आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। अगर नहीं है, अगर असंभव है आपके पास चांस है बनवाने के लिए, अगर तो आप बनवा सकते हैं। रह गया, आप सोच रहे होंगे कि जब रिजल्ट आएगा, मेरा मेरिट में बनेगा, तब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, अपनी ट्रेड की तैयारी करेंगे, तो आप गलत हैं। आप अपनी फिजिकल की तैयारी और ट्रेड की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा है ट्रेडमैन के लिए, तो और भी वैकेंसी ट्रेडमैन की आने वाली है और आएगी भी, तो आप में वो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको काम आएगा। अब उसमें पास कितने नंबर पे आप करेंगे, तो अगर आपने ट्रेड और औजार का ज्ञान किया गया है, तो उसमें आपको कम से कम 8 नंबर पास चाहिए। 8 नंबर ला रहे हैं तो आप पास हैं, 8 नंबर से कम लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट, आपका रिजल्ट कब आएगी। बार बार यही हमारा एक कमेंट आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगी। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका 1 सितंबर तक आपका 24 ऑप्शन भरे जा रहे हैं, 1 सितंबर तक। 1 सितंबर के बाद जीवनी खत्म हो जाएगा आपका, 1 से 2 वीक यानी सितंबर सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। और आपके फिजिकल और टेस्ट सितंबर एंड तक पूरे करा लिए जाएंगे, और अक्टूबर में आपके जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा। तो बस आई होप इतनी जानकारी आपको हमने दिया है। और दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन की रिजल्ट कटअप और ट्रेड टेस्ट से लेके, अगर आपका कोई भी और क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर लगेगा हम पे उसको पे वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम आपको आपके कमेंट का जवाब दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।